नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमेशा ये भी अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे खबर की बात करती रहूं, राजनीति समीक्षा में आपको उलझाए रखूं या फिर मैं क्राइम की स्टोरीज आपको बताती रहूं। बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी भावी पीढ़ी के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें शूरवीरों की गाथा से रूबरू करा सकते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि हर गाथा इतिहास में दर्ज हो। जैसे सारागढ़ी का युद्ध, वो युद्ध जिसकी अंग्रेज अफसरों ने भी सराहना की। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप युवा हैं तो आप इससे प्रेरणा ले सकते हैं, अगर आप युवा से थोड़े और बड़े हैं, ऊपर वाले एज ग्रुप में आते हैं, तो आप अपने बच्चों को ये गाथा से अवगत करा सकते हैं। और अगर आप बुजुर्ग हैं तो आप बहुत अच्छे से अपनी आने वाली पीढ़ी को इस गाथा से अवगत करा सकते हैं। आज मैं बात करती हूँ सारागढ़ी के युद्ध की। सारागढ़ी का युद्ध जो है 21 सिख सैनिकों के साहस और बलिदान की गाथा कहता है, जिसे हर मंच से गाया जाना चाहिए, जिन्होंने 10,000 अफगान कवालियों से मोर्चा लिया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारतीय सेना के सिख रेजिमेंट की 4th बटालियन हर वर्ष 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस मनाती है। आज से ठीक 125 वर्ष पहले 12 सितंबर 1897 को सारागढ़ी में सिर्फ 21 सिख सैनिकों ने 10,000 पठान कवालियों के आक्रमण को रोक दिया था। ये काफी आपको असंभव लगेगा, लेकिन उन सिखों ने जीत को सुनिश्चित करने के लिए, उन 21 सिखों ने, 21 जाबाजों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ। आप जानिए इस सच को और बताइए आप अगली पीढ़ी को कि किस तरीके से ये सच हुआ। हालांकि इस पे कई फिल्में भी बन चुकी हैं, कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, लेकिन मेरा आशय है इस वीडियो को बनाने का कि इसे हमारे देश का हर बच्चा जाने समझे। सारागढ़ी अभी पाकिस्तान के खैबर पख्तून नकवा प्रांत में पड़ता है। 1897 में भारत अंग्रेजों के अधीन था। उस वक्त भारतीय सैनिक भी ब्रिटिश सेना के अधीन कार्यरत थे। अफगानिस्तान से लगी सीमा पर सारागढ़ी की चौकी की देखरेख 36वें सिख रेजिमेंट के जिम्मे थी। रेजिमेंट के 21 सैनिक समाना रिज, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां तैनात थे। सारागढ़ी की चौकी लॉकहार्ट किले और गुलिस्तान किले को अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों से जोड़ती थी। इस चौकी के करीब 10,000 अफगानों ने हमला कर दिया, जिससे भीषण युद्ध करते हुए सिख जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो युद्ध हुआ, ये दुनिया की शीर्ष 10 प्रमुख लड़ाइयों में शामिल है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान 21 सिख सैनिकों ने 10,000 कवालियों का मुकाबला किया था। दरअसल अफगान कवाली सारागढ़ी की चौकी पे अक्सर शैतानी करते रहते थे, हमला करते रहते थे, और 1857 के सितंबर में उन्होंने 10,000 लड़ाकों के भारी दलबल के साथ फिर से सारागढ़ी का रुख किया। चौकी पर 20 सिख सैनिक थे और उनमें एक खानसामा था। कुल 21 सैनिक और 10,000 हमलावरों का सामना करना था, यानी कि करीब एक सैनिक पे 476 हमलावर। सिख सैनिकों की इस यूनिट का नेतृत्व ईश्वर सिंह कर रहे थे। 36वें सिख रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल जॉन हॉटन के किले में तैनात थे। ईश्वर सिंह ने कर्नल हॉटन को पूरी सिचुएशन से अवगत कराया और सैनिक सहायता मांगी। कर्नल ने उनसे कहा कि इतने कम सैनिकों समय में सैनिकों को भेज पाना फिलहाल संभव नहीं है। ऐसे में सारागढ़ी की चौकी पर तैनात सिख सैनिकों को ये फैसला करना होगा कि वो या तो आत्मसमर्पण कर दें या फिर 10,000 खो
खुखवार लड़ाकों से दो दो हाथ करते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। सभी 21 सैनिकों ने मोर्चा संभाला, लड़ाई शुरू हुई और 6 दिनों तक ये लड़ाई चलती है। इस दौरान सिपाही भगवान सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। तब हमले में घायल लाल सिंह और जीवा सिंह ने मिलकर के सिपाही भगवान सिंह का शव खींच के चौकी के अंदर किया। हालांकि चौकी मिट्टी की दीवार से बनी हुई थी और हमलावर काफी करीब आ गए थे। कर्नल को जब ये पता चला कि अब सिख सैनिक हमलावरों के हाथों मारे जाएंगे, और हुआ भी वही, अफगान हमलावरों की फौज ने 12 सितंबर 1898 को मिट्टी की दीवार ढहा दी। फिर तो सिख सैनिकों के साथ उनका बंदूकों की जगह हाथों से लड़ाई होनी शुरू हो गई। एक एक करके सारे सिख सैनिक मारे गए। सिख सैनिक जब एक एक कर जय बोले सोनहाल सत श्री अकाल का नारा बुलंद कर रहे थे, शहीद हो रहे थे, तब वो आवाज़ कर्नल के कानों तक पहुंच रही थी। आखिरी सैनिक के मारे जाने के बाद नारा गूंजना जब बंद हो गया तो कर्नल हॉटन को ये पता चल गया कि अब कोई भी भारतीय सैनिक जिंदा नहीं बचा। बहरहाल सिख सैनिकों ने अपना बलिदान देने से पहले 600 से ज़्यादा अफगान हमलावरों को मार गिराया था। अब हमलावरों को लॉकहार्ट किले की तरफ बढ़ना था, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। 6 दिनों की लड़ाई में कर्नल हॉटन ने सैन्य दस्ता बुलाने का जो एक मौका था उसको अवेल कर लिया। जब तक अफगान सैनिक किले तक बढ़ते तब तक अतिरिक्त सैन्य दस्ता किले तक पहुंच जाता है और अफगानों की सेना को मार भगाता है। इस तरीके से 21 सिख सैनिकों की शहादत से लॉकहार्ट का किला फिर से अजय हो गया, यानी कि उस पर अटैक नहीं हुआ, वो अंग्रेजों के पास ही रहा। कर्नल हॉटन ने लड़ाई के बाद सिख सैनिकों की वीरता की पूरी कहानी ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सीनियर अफसरों को सुनाई। सभी अफसर सिख सैनिकों के बलिदान पर काफ़ी खुश थे, काफ़ी उन पर प्राउड कर रहे थे। सभी 21 सिख सैनिकों को मरणोपरांत उस वक्त के वीरता पुरस्कार इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा गया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि एक लड़ाई के सभी शहीदों को वीरता पुरस्कार दिया गया, यानी कि 21 सैनिक सभी को वीरता पुरस्कार दिया गया। और सारागढ़ी के उन वीर सैनिकों के कहानी पर एक फिल्म भी बन चुकी है, केसरी, जिसमें लीड रोल किया है अक्षय कुमार ने। इसके सारे गाने काफी हिट थे। उधर ब्रिटेन में पिछले वर्ष सारागढ़ी के नायक ईश्वर सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कांसे से बनी 10 फीट की यह मूर्ति 6 फुट चबूतरे पे बनी हुई है। ये वॉल्टर हैम्पटन के बेंट्सफील्ड में स्थित है। उधर ब्रिटेन में भी ईस्ट मिडलैंड्स के लिस्टर शायर ने कर्नल जॉन हॉक्सन की भी स्मारक पट्टिका लगाई है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 21 सैनिकों की, जिन्होंने अपनी वीरता दिखाते हुए उन 10 युद्ध की कहानियों में अपने आप को शुमार कर लिया जो विश्व में काफ़ी फेमस है। हमें आज़ादी मिले हुए 75 वर्ष हो गए हैं, फिर भी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले कई बलिदानियों को इतिहास में उचित स्थान नहीं मिला है। इन विस्मृत बलिदानियों की यादों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने की ज़रूरत है, इसीलिए ये वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है। ये मैंने वीडियो बनाने का सोचा, और एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीरता की कहानी को जान सकें। दोस्तों, फ़िलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।